डियर व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए हमारा दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल और पाइए लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूर्वव्यापी कराधान के बारे में, तो आइए सबसे पहले जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में संसद में कराधान विधि संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया गया। इस विधेयक के जरिए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स यानी पूर्वव्यापी कर को खत्म करने का प्रावधान किया गया है। तो आइए जानते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का अर्थ है अतीत में एक निर्दिष्ट तिथि से संशोधन के माध्यम से कर का अतिरिक्त शुल्क लगाना। यदि कानून में कोई संशोधन है और यह अतीत में एक निर्दिष्ट तिथि से लागू होता है लेकिन भविष्य में नहीं, तो यह पूर्वव्यापी संशोधन है। यह टैक्स उन लेनदेन पर लगाए जाते हैं जो कानून पारित होने से पहले हुए थे। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स उस स्थिति को एडजस्ट करने का तरीका है जिसमें सरकार को यह लगे कि अतीत में अपनाई गई नीतियों के तहत जो कर लगाया गया था वो कम या न्यूनतम है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के जरिए मौजूदा नीति के तहत फिर से टैक्स लगाकर उस स्थिति को ठीक किया जा सकता है। यह टैक्स उन कंपनियों को प्रभावित करता है जिन्होंने जानबूझकर या अनजाने में नियमों की अपने हित में व्याख्या की। यह कराधान किसी देश को कुछ उत्पादों, वस्तुओं या सेवाओं और सौदों पर कर लगाने के लिए नियम बनाने की इजाजत देता है और कानून पारित होने की तारीख से पहले के समय से कंपनियों को चार्ज करता है। यह अतीत में कंपनियों या फर्मों द्वारा किसी लूपहोल के जरिए अनुचित लाभ लेने की स्थिति को सुधारने के साथ ही देशों की कराधान नीतियों में विचलन को भी रोकता है। भारत ही नहीं बल्कि USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा और इटली जैसे देश भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाते हैं। आइए अब जानते हैं नई व्यवस्था क्या होगी। कराधान विधि संशोधन विधेयक 2021 के जरिए 28 मई 2012 से पहले भारतीय आस्तियों यानी संपत्ति के हस्तांतरण पर की गई कर की मांग को वापस लेने का प्रावधान किया गया है। यानी अगर लेनदेन 28 मई 2012 से पहले किया गया था तो भारतीय संपत्ति के किसी भी अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए कोई कर मांग नहीं की जाएगी। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स खत्म होने से कराधान कानून आसान बनने के साथ साथ अब निवेशकों को भी स्पष्टता मिलेगी। भारत सरकार ने कहा है कि जिन कंपनियों को इस संशोधन से लाभ होगा उन्हें सरकार के खिलाफ सभी कानूनी मामलों को वापस लेना होगा जिसमें ब्याज, लागत और कोई नुकसान सहित शामिल हैं। सरकार खुद अपनी ओर से अब तक जब्त किसी भी प्रकार के कर बकाया को वापस करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विधेयक के पारित होने से उन कई कंपनियों को लाभ मिलेगा जिन्हें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के आधार पर कर भुगतान करना पड़ा था। यह विधेयक 1961 के आयकर अधिनियम और 2012 के वित्त अधिनियम का स्थान लेगा। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? ऑप्शन है ए नीदरलैंड, बी स्वीडन, सी नॉर्वे और डी पोलैंड। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।